हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, माय नेम इज शाहनवाज अहमद और आज हम लोग अपने फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है मॉडल टेस्टिंग। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले हमने आपको डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में कुछ टर्म्स को बताया है, उसको आप जान चुके हैं। आज हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं कि मॉडल टेस्टिंग क्या होता है, ये क्यों करते हैं और इसको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो, ये मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता दे रहे हैं। बेसिकली होता क्या है कि एक्चुअल मशीन या स्ट्रक्चर बनाने से पहले अगर हम लोगों को कुछ टेस्ट करने हैं, रिजल्ट निकालने हैं, देखना है कि उस मशीन के क्या क्या वेरिएबल वैल्यूज हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल मशीन ना बना करके उसका एक रेप्लिका बनाते हैं, उसका एक कॉपी बनाते हैं और वो साइज में बेसिकली जनरली क्या बनाते हैं, छोटा बनाते हैं। ठीक है, यानी कि मॉडल तैयार करते हैं और उस मॉडल पर हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। डैट इज़ कि उस मॉडल के बिहेवियर को हम लोग देखते हैं और जब उस टेस्ट उसका आ जाता है तो उसको एक्चुअल मशीन पर हम लोग क्या करते हैं, उस रिजल्ट्स को ट्रांसफ़र करते हैं और फिर देखते हैं कि हम लोगों का जो डेटा है दोनों जगह वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मॉडल टेस्टिंग करते हैं। तो मॉडल टेस्टिंग करने से क्या होता है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडल टेस्टिंग करने से पहले हम लोग दो चीज़ जानना चाहते हैं। पहली चीज़ कि ये मॉडल क्या है, ठीक है, दूसरी चीज़ ये क्यों करते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहली बात की जाए तो मॉडल क्या होता है, जब भी कोई पूछे तो आप कहेंगे कि मॉडल को कह सकते हो कि इट इज़ अ स्मॉल स्केल रेप्लिका ऑफ एक्चुअल मशीन और स्ट्रक्चर। डैट इज, अब क्या कहोगे, आप कहोगे कि इट इज अ स्मॉल स्केल रेप्लिका, रेप्लिका कहो या इसी को आप कह सकते हो कॉपी, ठीक है, रेप्लिका ऑफ एक्चुअल मशीन एंड स्ट्रक्चर। मशीन हो स्ट्रक्चर हो उसी का एकदम कॉपी होगा, बट द एक्चुअल मशीन, द एक्चुअल मशीन एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। ठीक है, तो यहां से दो चीज पता चली कि हम लोग मॉडल किसको कहते हैं और प्रोटोटाइप किसको कहते हैं। प्रोटोटाइप क्या है, जो एक्चुअल मशीन या जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं प्रोटोटाइप, और उसी का जो हम लोग स्मॉल स्केल रेप्लिका बना रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं टेस्ट करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मॉडल। तो इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, वो क्या कि जनरली देखो मॉडल जो होता है वो साइज में छोटा होता है प्रोटोटाइप से, लेकिन हमेशा ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं है। जनरली बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, उनको स्टडी करना है तो छोटा मॉडल बना के स्टडी कर लेते हैं, लेकिन मान लीजिए सपोज दैट आपने वॉच देखा है ना, घड़ी, उस वॉच में जो गियर होता है वो बहुत छोटा होता है, उसको स्टडी करना होगा तो उसका मॉडल हम लोग बड़ा बनाएंगे और स्टडी करेंगे ताकि स्टडी कर सके। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जनरली मॉडल्स आर स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप बट Not always, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, जनरली छोटा होता है। ठीक है, दूसरी चीज, मॉडल को हम लोग M से डिनोट करेंगे एंड प्रोटोटाइप को हम लोग P से डिनोट करेंगे। कहीं पर भी अगर हमने नीचे में M लिख दिया, डेट इज कि ये वैल्यू, ये टर्म किसके लिए है, मॉडल के लिए है, और अगर P लिख दिया तो वो किसके लिए है, प्रोटोटाइप के लिए है। तो सिंपल याद रखिएगा, जो एक्चुअल मशीन या स्ट्रक्चर है वो है प्रोटोटाइप और मॉडल उसी की कॉपी होती है। ठीक है, अब जैसे 50 माले की बिल्डिंग बनानी है तो क्या सीधे बिल्डिंग बना के टेस्ट करोगे,
अरे उसका छोटा सा एक क्या करेंगे हम लोग, मॉडल तैयार करेंगे, उस पर टेस्ट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको उस रेशियो में क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे और पता कर लेंगे कि एक्चुअल मशीन या स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। अब बात आती है कि मॉडल टेस्टिंग क्यों करते हैं, तो सिंपल देखो, अगर कोई पूछे कि मॉडल टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, तो आप कहोगे मॉडल टेस्टिंग इज डन इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द टेस्ट रिजल्ट ओवर टू द प्रोटोटाइप, दिस इज डन टू प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोटोटाइप। यानी कि प्रोटोटाइप जो है उसका परफॉर्मेंस नहीं पता है, हमने क्या किया, हमको पता था एक्चुअल प्रोटोटाइप का साइज, सारी चीजें पता थी, हमने जिस रेशियो में उसके लंबाई को कम किया उसी रेशियो में उसकी चौड़ाई को कम किया, उसी रेशियो में हमने उसकी हाइट को कम किया। ठीक है, सारी चीजों को हमने क्या किया, उस रेशियो में कम करके एक छोटा सा स्ट्रक्चर या मशीन बनाया, उस पर टेस्ट किया, जो भी रिजल्ट आया और उसी को हमने क्या कर दिया, मैग्नीफाई करके प्रोटोटाइप के बिहेवियर को बता दिया। तो मॉडल टेस्टिंग इसलिए किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि मॉडल टेस्टिंग क्यों करते हैं, तो मॉडल टेस्टिंग हम लोग बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोटोटाइप को निकालने के लिए हम लोग मॉडल टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो प्रोटोटाइप का कैसा बिहेवियर होगा, ये मॉडल टेस्टिंग से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि मॉडल टेस्टिंग करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो देखो, मॉडल टेस्टिंग अगर आपको करना है, तो सबसे पहली चीज, आप जो मॉडल बनाओगे वो मॉडल बिल्कुल किसकी तरह होना चाहिए, बिल्कुल प्रोटोटाइप की तरह ही होना चाहिए। पता चला एक्चुअल स्ट्रक्चर या एक्चुअल मशीन कुछ और है, आपने बनाया वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, साइज में कम होगा ना, ऐसा थोड़ी होगा कि उसका एकदम स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहली चीज, मॉडल टेस्टिंग अगर करना है तो आपका मॉडल और प्रोटो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, सिमिलिट्यूड होना चाहिए। ठीक है, और एकदम एक जैसा होना चाहिए, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक सिमिलिट्यूड। ठीक है, तो मॉडल टेस्टिंग अगर करना है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या चीज सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा सिमिलिट्यूड। जस्ट अ मिनट, तो देखिए, हमने अभी आपको बताया कि अगर हम लोगों को मॉडल बनाना है तो मॉडल एंड प्रोटोटाइप बिल्कुल एक जैसा दिखना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, और इसी सिमिलरिटी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक सिमिलिट्यूड। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये हाइड्रोलिक सिमिलिट्यूड क्या होता है, तो डेट इज कि जो मॉडल बना रहे हैं और जो प्रोटोटाइप होगा, उन दोनों में एकदम सिमिलरिटी होगा, और वो सिमिलरिटी क्या कहलाती है, हाइड्रोलिक सिमिलिट्यूड। और ये हाइड्रोलिक सिमिलिट्यूड कैसे चेक करेंगे, तो देखो तीन चीजों को चेक किया जाएगा। पहली चीज, ज्योमेट्रिकली सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, काइनेमेटिकली सिमिलर है कि नहीं है, और तीसरी चीज, डायनेमिकली सिमिलर है कि नहीं है। डैट इज, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि देखो, सिमिलरिटी का मतलब है लेंथ का रेशियो, ब्रेथ का रेशियो, करस्पॉन्डिंग लेंथ, करस्पॉन्डिंग ब्रेथ, करस्पॉन्डिंग हाइट, करस्पॉन्डिंग डाया, इन सब का रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ज्योमेट्री को पहले चेक करेंगे, जब ज्योमेट्री उसकी सारी की सिमिलर होगी, तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि काइनेमेटिकली सिमिलर है कि नहीं है। दैट इज, वेलोसिटी रेशियो चेक करेंगे, टाइम का रेशियो चेक करेंगे, एक्सेलरेशन का रेशियो चेक करेंगे, तो हम लोगों को पता चलेगा कि जो मॉडल बनाया है और जो प्रोटो है, दोनों में काइनेमेटिक सिमिलरिटी है कि नहीं है। और फाइनली जब हम लोग फोर्सेस का रेशियो चेक करेंगे, तो पता चलेगा कि मॉडल एंड प्रोटो जो है उनमें डायनेमिक सिमिलरिटी है कि नहीं है। और अगर किसी मॉडल एंड प्रोटो में ये तीनों सिमिलरिटी मिलती है, तो हम लोग कहेंगे कि वो मॉडल और प्रोटो आपस में कैसा है, हाइड्रोलिक सिमिलरिटी को शो कर रहा है, या उन दोनों में हाइड्रोलिक सिमिलिट्यूड है। ठीक है, तो अगर जब भी कोई पूछे कि हाइड्रोलिक सिमिलिट्यूड क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर, हम लोग ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी, काइनेमेटिक सिमिलरिटी एंड डायनेमिक सिमिलरिटी चेक करेंगे, और ये अगर ये तीनों रहा, तो कहेंगे कि हाँ, मेरा मॉडल
और प्रोटो आपस में कैसा है, हाइड्रोलिक सिमिलिट्यूड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि हाइड्रोलिक सिमिलिट्यूड को कह सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री सिमिलैरिटीज। ठीक है, सबसे पहला नंबर जिसको हम लोग कहेंगे ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकली सिमिलर है कि नहीं है। तो देखो ज्योमेट्रिकली सिमिलर होने का मतलब ये है, अभी मैंने बताया कि करस्पॉन्डिंग डाइमेंशंस आपस में क्या होंगे, उनके रेशियो आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखना, अगर हम लोग मॉडल डिवाइडेड बाय प्रोटो यानी कि मॉडल को न्यूमरेटर में रखें और प्रोटो को डिनोमिनेटर में रखें, तो इस तरीके का जो रेशियो होता है इसको हम लोग कहते हैं स्केल रेशियो। लेकिन कई जगह पर आप देखोगे कई सारी बुक में तो प्रोटो को ऊपर रख रहा है, नीचे रख रहा है मॉडल को, इसको कहा जाता है स्केल फैक्टर। फर्क कुछ नहीं है, ठीक है, लोग इसको लेके भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, इससे भी निकाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखो हम लोग जो यूज करेंगे वो हमेशा मॉडल बाय प्रोटो को यूज करेंगे, यानी कि हम स्केल रेशियो पर आपको सिखा रहे हैं और इसी पर पूछा भी जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कभी किसी बुक में दिख जाए कि सर ऊपर प्रोटो था नीचे मॉडल था, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उसने ऊपर प्रोटो रखा है नीचे मॉडल रखा है तो तुम प्रोटो की वैल्यू ऊपर रख देना, मॉडल नीचे रख देना, लेकिन वो चीज स्केल फैक्टर कहलाती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये रेशियो होता है। तो ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी का मतलब ये है कि हम लोगों को डाइमेंशंस को देखना है कि सिमिलर है कि नहीं है। तो इसमें सबसे पहला जो रेशियो आता है उसको कहा जाता है लेंथ स्केल रेशियो। लेंथ स्केल रेशियो क्या है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे एल आर से। ठीक है, एल आर का मतलब क्या है, यानी कि मॉडल की लंबाई बाई प्रोटो की लंबाई, मॉडल की चौड़ाई बाय प्रोटो की चौड़ाई, मॉडल की हाइट बाय प्रोटो की हाइट बाय डायमीटर ऑफ मॉडल बाय डायमीटर बाय प्रोटो, दैट इज की लीनियर डाइमेंशंस जितने भी हैं इन सब के का आपस में करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लेंथ स्केल रेशियो। लेंथ मॉडल बाई लेंथ प्रोटो, ब्रेथ मॉडल बाई ब्रेथ प्रोटो, हाइट मॉडल बाई हाइट प्रोटो, डाया मॉडल बाई, कहने का मतलब ये है लीनियर डायमेंशन मॉडल बाई लीनियर डायमेंशन प्रोटो का रेशियो क्या कहलाता है, लेंथ स्केल रेशियो। और इसको हमेशा हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो इसको हमेशा हम लोग एल आर से डिनोट करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी में चेक करने में सबसे पहले किसको देखा जाता है, लेंथ रेशियो सेम है कि नहीं है। दूसरी चीज क्या निकाली जाती है लेंथ रेशियो के बाद, एरिया स्केल रेशियो सेम है कि नहीं है। तो एरिया स्केल रेशियो क्या होगा, सिंपल एरिया स्केल रेशियो जो है इसको हम लोग ए आर से डिनोट करते हैं, यानी कि एरिया मॉडल बाय एरिया प्रोटो, मॉडल का एरिया बटा प्रोटो का एरिया का रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, ये हम लोग देखेंगे। तो एरिया अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ मॉडल बाय लेंथ इनटू ब्रेथ प्रोटो। ठीक है, और लेंथ मॉडल बटा लेंथ प्रोटो को एक साथ लिख दिया एंड ब्रेथ मॉडल बाय ब्रेथ प्रोटो को एक साथ लिख दिया। अभी देखिए मैंने बताया लेंथ मॉडल बाय लेंथ प्रोटो इज एल आर, ब्रेथ मॉडल बाय ब्रेथ प्रोटो इज एल आर, दैट इज की एरिया स्केल रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा, एल आर स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले ये चीज देखोगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको यही दिया होगा कि मॉडल और प्रोटो का स्केल रेशियो इतना है। ठीक है, तो ये अगर उसने दे दिया तो स्केल रेशियो में थोड़ी आप क्या करेगा क्वेश्चन में, वो मॉडल का एरिया दे देगा, कहेगा प्रोटो का बताओ। तो अगर एल आर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो ऐसे निकाल लेंगे, और अगर एल आर निकल गया मॉडल पता है तो प्रोटो नहीं निकल जाएगा, प्रोटो उधर भेज देंगे, उसको एल आर को नीचे भेज देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज नोन एज एरिया स्केल रेशियो।
इसके बाद जो तीसरी चीज चेक करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी में, वो है वॉल्यूम, स्केल, रेशियो, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, वी आर से। वॉल्यूम के लिए वी बना के कट कर दिया है मैंने। इसका मतलब क्या है, वी मॉडल बाय वी प्रोटो, ठीक है। और मॉडल के लिए अगर वॉल्यूम लिखना है तो हम लिख सकते हैं ना एल बी एच मॉडल बाय एल बी एच प्रोटो, ठीक है। ये भी एल आर, ये भी एल आर, ये भी एल आर, क्या पता चल गया, पता चला कि वॉल्यूम स्केल रेशियो इज वी मॉडल बाय वी प्रोटो इज इक्वल टू एल आर पे पावर 3। तो क्वेश्चन में अगर एल आर आपको गिवन है और मॉडल या प्रोटो में से किसी भी एक चीज की वॉल्यूम दे दी जाए तो दूसरे की वॉल्यूम आप यहां से नहीं निकाल लोगे, तो ये आपको तीसरी चीज पता चली, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लेंथ स्केल रेशियो पता चला, लेंथ स्केल रेशियो के बाद आपको पता चला एरिया स्केल रेशियो, और एरिया स्केल रेशियो के बाद आपको पता चला वॉल्यूम स्केल रेशियो। अगर ये तीनों आपस में आ रहा है, ऐसी सिमिलरिटी है, तो हम कहेंगे कि हाँ मेरा मॉडल एंड प्रोटो आपस में कैसा है, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब जब ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी हमने चेक कर लिया तो इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे काइनेमेटिक सिमिलरिटी को, ठीक है। तो काइनेमेटिक सिमिलरिटी क्या है, काइनेमेटिक टर्म्स जो हैं उनके रेशियोज को हम लोग निकाल के देखेंगे कि वो क्या होते हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिक सिमिलरिटी में जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे टाइम स्केल रेशियो, वेलोसिटी स्केल रेशियो, एक्सेलरेशन स्केल रेशियो, डिस्चार्ज स्केल रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग काइनेमेटिक सिमिलरिटी में लिख सकते हैं टाइम, सॉरी सेकंड नंबर जो हम लोग चेक कर रहे हैं वो क्या है, काइनेमेटिक सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, ठीक है। तो देखिए काइनेमेटिक सिमिलरिटी में हम लोग सबसे पहले चेक कर रहे हैं टाइम स्केल रेशियो, ठीक है। अब टाइम स्केल रेशियो क्या है, तो सिंपल टाइम स्केल रेशियो को हम लोग टी आर से डिनोट करेंगे, और ये क्या होगा, टी मॉडल बाय टी प्रोटो इज नोन एज टाइम स्केल रेशियो, ठीक है। यानी कि मॉडल में मान लो कोई फ्लूड है फ्लो कर रहा है, तो मॉडल में कहीं से कहीं फ्लो करने में कुछ टाइम लगेगा और एक्चुअल में भी कुछ टाइम लगेगा, तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, टाइम स्केल रेशियो। दूसरी चीज जो इसमें चेक करेंगे हम लोग, वो चेक करेंगे हम लोग वेलोसिटी स्केल रेशियो। वेलोसिटी स्केल रेशियो इज वी आर, देखो वॉल्यूम था तो कट कर दिया है, वेलोसिटी है तो नहीं कट कर रहे हैं। वेलोसिटी क्या होता है, देखो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, और डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं हम लोग एल, एल इज द लीनियर डायमेंशन। तो एल बाय टी मॉडल बाय एल बाय टी प्रोटो। और हमेशा याद रखो जब भी डायमेंशन एनालिसिस में अगर कुछ ना समझ में आए तो आप लोग क्या करना ना, उस टर्म का यूनिट याद रखना। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती, मीटर पर सेकेंड, ऊपर मीटर नीचे टाइम, मीटर का मतलब लेंथ, टाइम का मतलब टी, ठीक है। ऐसे हम लोग डायमेंशन के टर्म्स में लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहां से क्या होगा, लेंथ मॉडल ऊपर रह गया डिवाइडेड बाय लेंथ प्रोटो इसके नीचे कर दिया, ये टी प्रोटो कहां चल जाएगा, टी प्रोटो यहां आ जाएगा और टी मॉडल यहां आ जाएगा। अब ध्यान से देखो एल एम बाई एल पी इज, दैट इज कि वी आर को तुम लिख सकते हो वी मॉडल बाई वी प्रोटो है, और इसका मतलब है एल एम बाई एल पी का मतलब हो गया एल आर, और टी पी बाई टी एम है, जबकि यहां पर टी आर क्या होता है, टी एम बाई टी पी, डेट इज की ये होगा आपका वन बाई टी आर। तो आपको जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, आप कह सकते हो कि सर वेलोसिटी स्केल रेशियो इज मॉडल की वेलोसिटी बाई प्रोटो की वेलोसिटी बराबर होगा लेंथ स्केल रेशियो बाई टाइम स्केल रेशियो के, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टर्म जो हम लोग इसमें चेक करेंगे वो है एक्सेलरेशन स्केल रेशियो, इसको हम लोग डिनोट करेंगे ए आर से।
अब एक्सेलरेशन स्केल रेशियो क्या होगा, तो एक्सेलरेशन मॉडल में डिवाइडेड बाय प्रोटो में, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डेट इज कि आप इसको लिखोगे एल बाई टी स्क्वायर मॉडल बाई एल बाई टी स्क्वायर प्रोटो। अब ध्यान से देखो, एल मॉडल बाई एल प्रोटो एक साथ लिख दिया हमने, टी स्क्वायर प्रोटो बाई टी स्क्वायर मॉडल को एक साथ लिख दिया, ठीक है। एल एम बाई एल पी मॉडल बाई प्रोटो ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा आपका एल आर, और ये हो जाएगा वन अपॉन टी आर का स्क्वायर। डेट इज की एक्सेलरेशन स्केल रेशियो इज मॉडल बाई प्रोटो इज इक्वल टू एल आर बाई टी आर स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब ये है, देखो ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी जब चेक कर लिया तो उसमें सबसे पहला ही टर्म इंपॉर्टेंट है, वो है एल आर। एल आर जो है उसका स्क्वायर करोगे तो एरिया का रेशियो आना चाहिए, है ना, उसका क्यूब करोगे तो वॉल्यूम का रेशियो उसके बराबर आना चाहिए। सिमिलरली एल आर और टी आर का रेशियो निकालोगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, उसके वेलोसिटी के रेशियो के। तो आप इसी तरीके से क्या कर रहे हो, सिमिलरिटीज को क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें एक और बचता है, वो है आपका डिस्चार्ज स्केल रेशियो। डिस्चार्ज स्केल रेशियो, क्योंकि ये सब के सब कैसे टर्म्स हैं, काइनेमेटिक टर्म्स हैं, इसको हम क्यू आर लिखेंगे। क्यू आर का मतलब क्या है, क्यू आर का मतलब है क्यू मॉडल बाई क्यू प्रोटो, ठीक है। और डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, डैट इज कि आप कह सकते मीटर क्यूब पर सेकेंड, डैट इज आप कहोगे एल क्यूब बाई टी मॉडल एल क्यूब बाई टी प्रोटो, ठीक है। तो एल मॉडल का क्यूब बाई एल प्रोटो का क्यूब इंटू टी मॉडल बाई टी प्रोटो। एल एम बाई एल पी का क्यूब क्या हो जाएगा, एल आर क्यूब बाई टी आर। तो यहां से आपको क्या पता चला कि डिस्चार्ज स्केल रेशियो जो आएगा क्यू मॉडल बाई क्यू प्रोटो, वो बराबर आएगा किसके, एल आर क्यूब बाई टी आर के। तो अगर तुमने एल आर निकाल रखा है और टी आर निकाल रखा है तो इसको का जो वैल्यू आना चाहिए वही इन दोनों का वैल्यू आना चाहिए। और अगर ऐसा है तो आप कहोगे कि हाँ डिस्चार्ज भी आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो अगर ये सारे टर्म्स एक जैसे आ रहे हैं तो आप कहोगे कि हाँ काइनेमेटिक सिमिलरिटी भी है, ठीक है। अब इसके बाद फाइनली हम लोग क्या चेक करेंगे, इसके बाद फाइनली हम लोग चेक करेंगे कि डायनेमिक सिमिलरिटी है कि नहीं है, ठीक है। डायनेमिक सिमिलरिटी का मतलब भी है कि हम लोग फोर्सेस की बात करेंगे, डेट इज की मॉडल में भी कुछ फोर्स लग रहा होगा, जब फ्लूड फ्लो करेगा तो बहुत सारे फोर्सेस होंगे, ठीक है। डेट इज इनर्शिया फोर्स होगा, प्रेशर फोर्स होगा, ग्रेविटी फोर्स होगा, ये सब फोर्सेस मॉडल के लिए डिवाइडेड बाई प्रोटो के लिए, इन सब का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि हाँ मॉडल एंड प्रोटो आपस में डायनेमिकली क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग चेक करते हैं वो चेक करते हैं डायनेमिक सिमिलरिटी, डायनेमिक सिमिलरिटी। और डायनेमिक सिमिलरिटी का मतलब सिमिलरिटी बिटवीन दी फोर्सेस। तो देखो इनर्शिया फोर्स मॉडल का बाय इनर्शिया फोर्स प्रोटो का, इनका रेशियो ये बराबर आना चाहिए। प्रेशर फोर्स मॉडल का प्रेशर फोर्स प्रोटो का, ग्रेविटी फोर्स मॉडल का ग्रेविटी फोर्स प्रोटो का, विस्कस फोर्स मॉडल का बाय विस्कस फोर्स प्रोटो का, एंड सो ऑन। ये सारे सारे मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, सिक्स फोर्सेस, उन सारे फोर्सेस का रेशियो आप निकालेंगे और वो रेशियो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एफ आर। वो सब का सब आपस में क्या होगा, सेम होगा। अगर ऐसा है तो आप कहोगे कि हाँ आपका मॉडल और प्रोटो आपस में डायनेमिक सिमिलरिटी को फॉलो कर रहा है। तो यहां से एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, ठीक है। अगर ज्योमेट्रिकली सिमिलर है मॉडल और प्रोटो, तब जाके हम लोग चेक करते हैं कि काइनामेटिक सिमिलरिटी है कि नहीं, काइनामेटिक सिमिलरिटी, ठीक है। और अगर ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी भी है काइनामेटिक सिमिलरिटी भी है
तब जाकर के हम लोग चेक करेंगे कि मेरा मॉडल और प्रोटो आपस में डायनेमिक सिमिलरिटी को फॉलो कर रहा है कि नहीं है या सिमिलर है कि नहीं है। और अगर ये तीनों हो जाएगा तब हम कहेंगे कि मॉडल एंड प्रोटोटाइप आर हाइड्रोलिकली सिमिलिट्यूड को फॉलो कर रहा है, ठीक है, या आपस में ये क्या है, हाइड्रोलिक सिमिलिट्यूड है, हाइड्रोलिक और फॉलोज द हाइड्रोलिक सिमिलिट्यूड, ठीक है। तो अक्सर देखो जो ESYS के पेपर देखोगे तो उसमें अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि अगर कोई मॉडल एंड प्रोटो हाइड्रोलिक सिमिलिट्यूड को फॉलो कर रहा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उसके पास ये तीनों है। और अगर उसने कह दिया कि अगर आपका मॉडल जो है वो डायनेमिक सिमिलरिटी को फॉलो कर रहा है इसका क्या मीनिंग निकाल सकते हो आप, तो आप कहोगे सर इसका मीनिंग ये है कि वो ज्योमेट्रिक सिमिलर भी है और काइनेमेटिक सिमिलर भी है। मान लो कह दे कि ज्योमेट्रिक सिमिलर नहीं है तो काइनेमेटिक सिमिलरिटी निकालोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक ज्योमेट्रिकली सिमिलर नहीं होगा काइनेमेटिक सिमिलर कैसे हो सकता है, एल आर जब तक नहीं निकलेगा बाकी चीज़ें निकलेगी, तो आप ये याद रखोगे। तो अगर ऐसा होता है तो हाइड्रोलिक सिमिलरिटी को शो करता है। और ये मैंने बस इसलिए बताया ताकि समझ जाओ कि देखो सिमिलरिटी उनके बीच में कैसे होंगे। अब मॉडल टेस्ट करने के लिए अलग अलग रूल है, कौन सा रूल है, तो देखिए मैंने आपको डायमेंशनलेस नंबर पढ़ाया था, तो मॉडल टेस्टिंग के 5 रूल्स हैं, 5 नंबर पढ़ाया है और 5 रूल है। पहला रूल है रेनॉल्ड्स मॉडल ला, दूसरा रूल है यूलर्स मॉडल ला, और इसी तरीके से 5 नंबर है, 5 रूल है, ठीक है। तो मॉडल टेस्टिंग के 5 रूल हैं और उसमें से सबसे पहले हम आपको पढ़ा रहे हैं फ्राउड्स मॉडल ला। ये सबसे पहले क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाता है या रेनॉल्ड्स को पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्राउड्स मॉडल ला क्या कहता है, कोई भी मॉडल ला उठा लो, फ्राउड्स मॉडल ला कहता है कि फ्रॉड नंबर मॉडल का और फ्रॉड नंबर प्रोटो का बराबर होगा। रेनॉल्ड्स मॉडल ला कहता है कि रेनॉल्ड्स नंबर मॉडल का रेनॉल्ड्स नंबर प्रोटो का आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यूलर्स मॉडल ला क्या कहता है कि यूलर नंबर निकालना सिखाया ही है, वो मॉडल का और प्रोटो का दोनों का निकालो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मैक नंबर मॉडल का मैक नंबर प्रोटो का आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बहुत सिंपल है, मॉडल ला भारी नहीं है, लेकिन इस मॉडल ला से हम लोग सारे वैल्यूज को कैसे निकालते हैं, देखो हम फ्रॉड मॉडल ला को पूरा अच्छे से आपको बता दे रहे हैं। रेनॉल्ड्स एंड फ्रॉड बस यही दो यूज होता है, बाकी कोई यूज नहीं होता है आपके लेवल पे, ठीक है। और सबसे ज्यादा यूज कौन होता है, फ्रॉड्स मॉडल ला, ठीक है। तो फ्रॉड्स मॉडल ला क्या कहता है कि फ्रॉड नंबर मॉडल का एंड फ्रॉड नंबर प्रोटो का दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये है आपका फ्रॉड्स मॉडल ला। तो अब हमने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया है कि फ्रॉड नंबर हम लोग कैसे निकालते थे, वी बाई रूट अंडर जी एल, मॉडल के लिए लिखना है इसलिए यहां मॉडल लिख दिया, वी बाई रूट अंडर जी एल प्रोटो के लिए लिखना था इसलिए यहां हमने क्या लिख दिया, प्रोटो लिख दिया। अब यहीं से देखो, चाहे मॉडल हो या प्रोटो हो, दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होगा, और दोनों तो अर्थ ही पर है ना, तो दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा, इसलिए हम जी और जी को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां से बच गया वी मॉडल बाई रूट अंडर एल मॉडल, यहां से बच गया वी प्रोटो बाई रूट अंडर एल प्रोटो, ठीक है। अब यहां से क्या पता चला, देखो ध्यान से, अगर हम वेलोसिटी मॉडल का बाई वेलोसिटी प्रोटो का एक साइड कर दें और यहां कर दें हम लोग रूट अंडर एल मॉडल का बाई रूट अंडर एल प्रोटो का, तो अब ध्यान से देखो, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है मैंने कि वी एम बाई वी पी वेलोसिटी मॉडल बाई वेलोसिटी प्रोटो इज नोन एज वेलोसिटी स्केल रेशियो एंड इट इज डिनोटेड बाई वी आर।
यानी वेलोसिटी स्केल रेशियो हम लिख सकते हैं वी मॉडल बाई वी प्रोटो को, और ये बराबर होगा किसके, ध्यान से देखो, एल एम बाई एल पी का रूट अंडर, मॉडल का लेंथ बाई प्रोटो का लेंथ, क्या कहलाता है, लेंथ स्केल रेशियो, लेकिन इसके ऊपर क्या है, रूट अंडर, यानी कि वेलोसिटी स्केल रेशियो जो होता है फ्रॉड मॉडल ला के हिसाब से वो एल आर के बराबर नहीं आएगा, रूट अंडर एल आर के बराबर आएगा, या ये कहो कि एल आर पे पावर 1/2 के बराबर आएगा, या एल आर पे पावर 0.5 के बराबर आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि अकॉर्डिंग टू द फ्रॉड्स मॉडल ला वेलोसिटी स्केल रेशियो का वैल्यू क्या होता है, एल आर होता है, एल आर पे पावर 3/2 होता है, रूट अंडर एल आर होता है, इस तरीके से पहला वैल्यू निकल गया। ठीक है, दूसरी चीज, सबसे पहला टर्म हमने जैसे ही निकाला वेलोसिटी स्केल रेशियो, इसके बाद हम आपको सेकंड टर्म निकाल रहे हैं, और सेकंड टर्म का नाम है आपका टाइम स्केल रेशियो। अब हम किसको निकालने जा रहे हैं, टाइम स्केल रेशियो। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी चीज है, टाइम स्केल रेशियो का मतलब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, टी आर, और टी आर का मतलब क्या होता है, टी मॉडल बाई टी प्रोटो। और ऐसे भी देखो टाइम को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, तो टाइम बराबर क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हम लोग लिखेंगे टी आर बराबर टी मॉडल बाय टी प्रोटो बराबर, चूं ना हम टी मॉडल को लिखें, एल मॉडल बाय वी मॉडल डिवाइडेड बाय एल प्रोटो बाय वी प्रोटो, क्योंकि देखो डिस्टेंस को हम लिखेंगे एल, वेलोसिटी को लिखेंगे वी से, लिख दिया हमने, मॉडल के लिए लिखना था तो यहां मॉडल के लिए लिखा, प्रोटो के लिए लिखना था तो प्रोटो के लिए, इसको सॉल्व करो, एल मॉडल और ये एल प्रोटो इसके नीचे आ गया। ठीक है, v प्रोटो कहां चला गया, ऊपर, और v मॉडल आ गया नीचे। lm बाई lp क्या है, दिस इज द लेंथ स्केल रेशियो, और ये जो है ये क्या है, ये है 1/vr, क्योंकि देखो vr जो है v मॉडल बाई v प्रोटो होता है, लेकिन वहां पर है vp बाई vm, तो हम उसको 1/vr लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, हम लोग टी आर बराबर लिखेंगे टी मॉडल बाई टी प्रोटो विच इज इक्वल टू एल आर, तो एल आर रहने दिया, वी आर का वैल्यू हमने निकाला है कितना है, लेकिन वो इसके नीचे आ जाएगा, डेट इज एल आर पे पावर 0.5। तो आपको यहां से क्या मिला, सिंपल सी चीज है, यहां से आपको पता चला कि एल आर पे पावर 1/2 ही मिलेगा, या रूट अंडर एल आर ही मिलेगा, या आपको एल आर का पावर 0.5। तो क्या पता चला कि टी आर जो है टी मॉडल बाई टी प्रोटो होगा, और ये रूट अंडर एल आर के बराबर होगा, और ये कहो कि यही आपका किसके बराबर है, वी आर के। तो यहां से पहला ऑब्जेक्टिव एक तो डायरेक्टली ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, और तीसरा ऑब्जेक्टिव मिला कि फ्रॉड मॉडल ला के अकॉर्डिंगली वेलोसिटी स्केल रेशियो एंड टाइम स्केल रेशियो बोथ आर सेम। देखिए तो दोनों सेम आया। ठीक है, जब हम लोग टाइम स्केल रेशियो निकाल लेंगे तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रेशियो की तरफ चलते हैं, एक्सेलरेशन स्केल रेशियो। ठीक है, तो अब हम लोग फ्रॉड मॉडल ला के अकॉर्डिंगली अगर एक्सेलरेशन स्केल रेशियो निकालते हैं, तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो हम क्यों ना इसको ऐसे लिख दें, ए आर बराबर ए मॉडल बाई ए प्रोटो। ठीक है, और मॉडल के लिए वेलोसिटी बाई टाइम का रेशियो, मॉडल के लिए वेलोसिटी बाई टाइम का रेशियो, प्रोटो के लिए, दोनों को डिवाइड कर दे। ध्यान से देखो, हम लोग लिख सकते हैं वी मॉडल बाई वी प्रोटो एक साथ लिख दिया, टी प्रोटो ऊपर चला गया, टी मॉडल नीचे चला आया, वी एम बाई वी पी इज वी आर, और ये हो गया आपको टी पी बाई टी एम इज 1/tr। वी आर का वैल्यू अभी निकाला है हमने, वी आर बराबर रूट अंडर एल आर, और टी आर बराबर रूट अंडर एल आर। क्या पता चला,
पता ये चला कि फ्रॉड मॉडल लॉ के अकॉर्डिंगली जितनी एक्सेलरेशन मॉडल में आएगी उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोटो में आएगी, या ये कहो कि एक्सेलरेशन स्केल रेशियो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक पहला टर्म हमने ये निकाल लिया वेलोसिटी स्केल रेशियो, दूसरा टर्म हम लोगों ने निकाल लिया टाइम स्केल रेशियो, तीसरा टर्म हम लोगों ने निकाल लिया एक्सेलरेशन स्केल रेशियो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म हम लोग निकालते हैं एक्सेलरेशन के बाद डिस्चार्ज रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, जितने भी टर्म्स है ना सबको निकाल के देखेंगे, और ये हम किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो फ्रॉड्स मॉडल ला के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म निकाल रहे हैं और ये कौन सा टर्म है, दिस इज दी डिस्चार्ज स्केल रेशियो, दैट इज क्यू आर निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, क्यू आर का मतलब क्या होगा, तो हम यहीं पे लिख सकते हैं, देखो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू मॉडल बाय क्यू प्रोटो, और डिस्चार्ज क्या होता है, मीटर क्यूब बाय टाइम, दैट इज कि हम इसको क्यू ना ऐसे लिख दें, एल बाय टी, एल क्यूब कर दिया बाय टी कर दिया। ठीक है, वॉल्यूम बाय टाइम, वॉल्यूम फ्लो रेट होता है ना, तो वॉल्यूम को लिख दिया डिस्टेंस का क्यूब बाय टी, ये लिखा मॉडल के लिए, और एल क्यूब बाय टी लिख दिया किसके लिए, प्रोटो के लिए, एल मॉडल बाय एल प्रोटो पे पावर 3 एक साथ कर दिया, टी प्रोटो बाय टी मॉडल एक साथ आ गया। ये क्या निकला यहां से देखो तो क्यू एम बाई क्यू पी है, और ये हो गया एल आर पे पावर 3, और ये हो गया 1/TR, तो एल आर पे पावर 3 डिवाइडेड बाई एल आर का रूट अंडर। ठीक है, सॉल्व कर लो कितना आ गया, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू मॉडल बाई क्यू प्रोटो इज इक्वल टू एल आर पे पावर 2.5 लिखो, या एल आर पे पावर 5/2 लिखो, तो क्या पता चला कि फ्रॉड मॉडल ला के अकॉर्डिंगली डिस्चार्ज रेशियो जो होता है वो एल आर पे पावर कितना होता है, 5/2 होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं नेक्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, और वो नेक्स्ट टर्म है आपका, मान लो फ्रॉड मॉडल ला के अकॉर्डिंगली कोई पूछे फोर्स स्केल रेशियो क्या होगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं फोर्स स्केल रेशियो। ठीक है, तो अगर हम लोग फोर्स स्केल रेशियो निकालना चाहते हैं, यानी कि ये फिफ्थ टर्म हम लोग निकाल रहे हैं फोर्स स्केल रेशियो, फोर्स स्केल रेशियो क्या होता है, सिंपल एफ आर इज इक्वल टू फोर्स इनर्शियल बाय फोर्स इनर्शियल, ऊपर रखेंगे मॉडल को और नीचे रखेंगे प्रोटो को। ठीक है, और दूसरी चीज इनर्शिया फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, वॉल्यूम को हम लोग लिख देंगे एल क्यूब, डेंसिटी को रो, एक्सेलरेशन को ए। तो अब अगर हम लोगों को लिखना है फोर्स स्केल रेशियो, तो हम क्या करेंगे, इनर्शियल फोर्स मॉडल बाय इनर्शियल फोर्स प्रोटो, इनर्शियल फोर्स बराबर कितना हो रहा है, तो रो इनटू वी इनटू ए, ये भी मॉडल के लिए, ये भी मॉडल के लिए, ये भी, सॉरी इसको डायरेक्टली एल क्यूब लिख देते हैं, एल क्यूब ये भी मॉडल के लिए और ये भी मॉडल के लिए, डिवाइडेड बाई रो प्रोटो एल प्रोटो एक्सेलरेशन प्रोटो। अब ध्यान से देखो, डेंसिटी मॉडल बाय डेंसिटी प्रोटो को हम लोग डेंसिटी स्केल रेशियो लिख देंगे रो आर। ठीक है, इस टर्म को लेंथ मॉडल बाय लेंथ प्रोटो को लिख देंगे एल आर क्यूब। ठीक है, और ए मॉडल बाय ए प्रोटो इज एक्सेलरेशन स्केल रेशियो, और वी नो दैट एक्सेलरेशन स्केल रेशियो का वैल्यू भी थोड़ी देर पहले निकाला है हमने, और क्या आया था, 1 फ्रॉड मॉडल ला के हिसाब से, दैट इज की एफ आर बराबर मिला रो आर इंटू एल आर पे पावर 3। अब इफ मॉडल की में जो फ्लूड यूज किया हमने और जो प्रोटो में फ्लूड यूज किया, दोनों की डेंसिटी अगर सेम है, तो आप कह सकते हो कि सर
डेंसिटी स्केल रेशियो 1 हो जाएगा, और जब 1 हो जाएगा डेट इज कि अगर क्वेश्चन में मेंशन हो दोनों जगह अलग अलग फ्लूड है तो रो आर यूज करना, और अगर कुछ मेंशन ना हो तो आप मान के चलेंगे कि मॉडल में जो फ्लूड रखा है प्रोटो में जो फ्लूड रखेंगे दोनों क्या होगा आपस में सेम होगा। तो आप यहीं से कह दोगे कि सर फोर्स स्केल रेशियो इज एल आर पे पावर 3, ठीक है। तो फोर्स स्केल रेशियो क्या होगा, फोर्स मॉडल बाय फोर्स प्रोटो, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं, फोर्स स्केल रेशियो के बाद प्रेशर इंटेंसिटी रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सिक्स्थ टर्म हम लोग निकालेंगे प्रेशर इंटेंसिटी रेशियो, प्रेशर इंटेंसिटी रेशियो, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को फोर्स लिखेंगे, एरिया को एल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, समझ गए। देखो तो प्रेशर इंटेंसिटी का रेशियो का मतलब हो गया पी आर, यानी कि प्रेशर इन मॉडल बाय प्रेशर इन प्रोटो, ठीक है। और प्रेशर इन मॉडल को लिखेंगे फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर मॉडल के लिए, फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर प्रोटो के लिए, ठीक है। देखो एरिया क्या होता है, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस होता है ना, इसलिए हमने एल स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। अब यहीं से देखो एफ मॉडल बाई एफ प्रोटो एक साथ हो गया, एल प्रोटो बाई एल मॉडल एक साथ हो गया, और इसके ऊपर होल स्क्वायर था लिख दिया हमने, अभी थोड़ी देर पहले निकाला है हमने, क्योंकि देखो एफ मॉडल बाई एफ प्रोटो इज एफ आर, यानी हम लिख देंगे एल आर पे पावर 3, और ये होगा 1 अपॉन एल आर पे पावर हो जाएगा आपको 2, ठीक है। तो यहां से आपको प्रेशर इंटेंसिटी का जो रेशियो मिला वो कितना मिला, वो मिला पी आर इज इक्वल टू पी मॉडल बाई पी प्रोटो इज इक्वल टू एल आर, ठीक है। यानी कि प्रेशर स्केल रेशियो भी लेंथ स्केल रेशियो के ही बराबर मिलेगा, किसके लिए, फ्राउड्स मॉडल ला के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हम लोग इसमें निकाल के देख लेते हैं। देखो हम फ्राउड मॉडल ला में जितने भी टर्म्स निकाल सकते हैं ना सबको निकाल दे रहे हैं, क्योंकि हम हर में नहीं निकालेंगे, ये एक तरीका समझ में आ रहा है ना। रेनॉल्ड्स मॉडल ला होगा तो रेनॉल्ड्स मॉडल ला से शुरू करेंगे और वहीं एलआर से हम लोग स्टार्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। चूंकि ये फ्रॉड मॉडल ला है तो सारा वैल्यू फ्रॉड का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म हम लोग ऐसा करते हैं, निकालते हैं इसके बाद सपोज दैट वर्क रेशियो, या फिर इसी को आप कह सकते हो एनर्जी रेशियो, क्योंकि देखो वर्क एंड एनर्जी बोथ आर सेम, ठीक है। दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल, और जूल का मतलब क्या है, जूल का मतलब है न्यूटन इंटू मीटर, डेट इज की फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन होता है ना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क स्केल रेशियो का मतलब वर्क मॉडल बाय वर्क प्रोटो, एंड वर्क मॉडल का लिखना है तो फोर्स मॉडल इनटू डिस्प्लेसमेंट भी मॉडल, ठीक है, डिवाइडेड बाय फोर्स प्रोटो इनटू डिस्प्लेसमेंट प्रोटो, फोर्स मॉडल बाय फोर्स प्रोटो इज एफ आर, और ये हो गया आपका एल आर। और अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला है फोर्स स्केल रेशियो जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, एल आर क्यूब इंटू एल आर, डेट इज एल आर पे पावर 4। तो क्या पता चला कि वर्क मॉडल बाय वर्क प्रोटो करो या एनर्जी मॉडल बाय एनर्जी प्रोटो करो, ठीक है, ये वर्क रेशियो ये एनर्जी रेशियो दोनों ही सेम होगा, और वो एल आर पे पावर कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट टर्म देख सकते हैं एनर्जी स्केल रेशियो के बाद 8वां टर्म, वो है आपको सपोज दैट, ऐसा करते हैं मोमेंटम स्केल रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम स्केल रेशियो, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं ना, मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, इंटू वेलोसिटी, डेंसिटी को डेंसिटी लिखेंगे और वॉल्यूम को एल क्यूब इंटू वी लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखो यहीं से निकाल लो, मोमेंटम स्केल रेशियो इज मोमेंटम मॉडल बाय मोमेंटम प्रोटो,
ठीक है, इसी को मोमेंटम स्केल रेशियो या इंपल्स स्केल रेशियो कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि इंपल्स क्या है, मोमेंटम का ही चेंज होता है। ठीक है, मोमेंटम मॉडल के लिए लिखना है तो हम लिखेंगे रो मॉडल एल मॉडल क्यूब वेलोसिटी मॉडल, प्रोटो के लिए लिखना है तो रो प्रोटो एल प्रोटो का क्यूब वी प्रोटो। अब आप यहीं से देखो रो एम बाई रो पी क्या हो गया, डेंसिटी स्केल रेशियो, अगर अलग अलग डेंसिटी दिया है तो, वरना सेम होगा तो हम रो आर का वैल्यू 1 रख देंगे। ये होगा आपको एल आर पे पावर 3, और वेलोसिटी स्केल रेशियो हम लोगों ने निकाला था शुरू में तो वो आया था रूट अंडर एल आर के बराबर आया था, ये हम लोगों को याद होना चाहिए। डैट इज, चलो इसको वेलोसिटी स्केल रेशियो लिख दिया तो आपको क्या आएगा वैल्यू, रो आर एल आर पे पावर 3 रूट अंडर एल आर। ठीक है, तो आपको अगर कहा जाए क्वेश्चन में इफ रो आर इज इक्वल टू 1, तो आप कहोगे कि सर मोमेंटम स्केल रेशियो इज मोमेंटम मॉडल बाय मोमेंटम प्रोटो विच इज इक्वल टू एल आर पे पावर 3 इंटू रूट अंडर एल आर, डैट इज की एल आर पे पावर 2.5 या एल आर पे पावर 5/2। ठीक है, तो यहां से आप मोमेंटम स्केल रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, अगर रो आर 1 है तो यहां 1 रख दिया, अदरवाइज यहां पे रो आर भी आता। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं, वो है आपका टॉर्क निकालने के लिए अगर कह दिया जाए टॉर्क का रेशियो तो कैसे होगा, तो देखो टॉर्क स्केल रेशियो निकाल लेते हैं। 9th टर्म है आपका टॉर्क स्केल रेशियो। टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क हम लोगों को पता है फोर्स इंटू लेंथ होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज की लेंथ। तो हम लोग लिखेंगे टॉर्क स्केल रेशियो बराबर टॉर्क मॉडल बाय टॉर्क प्रोटो, दैट इज की फोर्स मॉडल इंटू लेंथ मॉडल बाय फोर्स प्रोटो इंटू लेंथ प्रोटो। फोर्स मॉडल बाय फोर्स प्रोटो इज एफ आर, दिस इज एल आर, एफ आर का वैल्यू था एल आर पे पावर 3 और यहाँ है एल आर, दैट इज की टॉर्क स्केल रेशियो इज टॉर्क मॉडल बाई टॉर्क प्रोटो इज इक्वल टू एल आर पे पावर 4। ठीक है, तो आप यहां से टॉर्क स्केल रेशियो निकाल सकते हो। एक फाइनली एक टर्म और निकाल लेते हैं, वो है पावर स्केल रेशियो। सपोज दैट किसी ने कह दिया अगर आपको कि आप पावर स्केल रेशियो निकाल के दिखाइए, यानी मॉडल का पावर और प्रोटो के पावर का रेशियो किसके बराबर आता है। ठीक है, और ये सब इसलिए बता रहे, जनरली क्वेश्चन क्या होगा ना, एल आर दिया जाएगा, अब मान लो क्वेश्चन दे देगा और आपको कहेगा कि मॉडल में टॉर्क कितना आ रहा है तो बताइए प्रोटो में कितना आ रहा है। अरे एल आर अगर निकल चुका है तो एल आर पे पावर 4 बराबर होगा टी एम बाई टी पी के, और टी एम और टी पी में से एक टर्म दे देता है, दूसरा टर्म कहता है निकालिए, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को रखेंगे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो जो लास्ट टर्म है इसमें वो है आपका पावर स्केल रेशियो। आप लोगों को पता होगा पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, बस यही यूज करेंगे हम, पावर स्केल रेशियो इज इक्वल टू पावर मॉडल बाय पावर प्रोटो। पावर को लिख दिया हमने वर्क अपॉन टाइम मॉडल बाय वर्क अपॉन टाइम प्रोटो, वर्क मॉडल बाय वर्क प्रोटो, टी प्रोटो बाय टी मॉडल। अब ये देखो, ये हो गया वर्क स्केल रेशियो और ये हो गया टाइम स्केल रेशियो, दिस इज दी पावर स्केल रेशियो। ठीक है, वर्क स्केल रेशियो हम लोगों को कितना आया था, वो आया था एल आर पे पावर 4, और टाइम स्केल रेशियो कितना आया था, तो वो आया था हम लोगों को रूट अंडर एल आर, डेट इज के एल आर पे पावर आ गया 3.5 या एल आर पे पावर आ गया 7/2। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, पावर स्केल रेशियो निकाल सकते हो। देखो देखा जाए तो यही 10 टर्म है जो आप निकाल सकते हो किसी भी लॉ में। ठीक है, तो अब देखो फ्रॉड मॉडल लॉ में यही सारी चीजें डायरेक्टली पूछी जाती हैं, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे निकालेंगे, लेकिन अब देखो कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि फ्रॉड मॉडल लॉ पे क्वेश्चन है कि रेनॉल्ड्स पे है। तो देखो इसके लिए यहां पर आपको एक चार्ट अभी हम शो करेगा और उसमें आपको दिख जाएगा कि कब कौन सा मॉडल ला इस्तेमाल करना हो। ये मैंने पहले भी बताया था ना,
कि देखो न्यूमरेटर में तो हमेशा इनर्शियल फोर्स रहेगा, डिनोमिनेटर में नया नया फोर्सेस आ जाता है, तो जहां पर जो फोर्स डोमिनेंट होता है वहां पर वही नंबर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जहां पर ग्रेविटी फोर्स डोमिनेंट होगा वहां पर हम लोग फ्रॉड मॉडल ला यूज करेंगे, ठीक है। जहां पर विस्कस फोर्स डोमिनेंट होगा वहां पर रेनॉल्ड्स मॉडल ला इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ डेटा है जो आपको लाइन बाय लाइन याद रखना है कौन सा मॉडल ला कब इस्तेमाल करना है। वरना मॉडल ला क्या है, जिस नंबर की बात करेंगे वो नंबर मॉडल के लिए और वही नंबर प्रोटो के लिए आपस में क्या आना चाहिए, बराबर, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको रेनॉल्ड्स मॉडल फ्रॉड मॉडल ला बता दिया। रेनॉल्ड्स मॉडल ला में एक दो टर्म बता के छोड़ दे रहे हैं, बाकी टर्म आप लोग अपने से निकालेंगे जैसे इसमें निकाल के दिखाया है, ठीक है। लेकिन उस वक्त वैल्यूज आप किसका इस्तेमाल करेंगे, तो उस वक्त वैल्यूज आप केवल और केवल किसका इस्तेमाल करेंगे, रेनॉल्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने हर जगह पर फ्रॉड को यूज किया है, ठीक है। तो देखिए अगर हम रेनॉल्ड्स मॉडल ला की बात करें तो रेनॉल्ड्स मॉडल ला ये बोलेगा कि रेनॉल्ड्स नंबर किसका, मॉडल का, और रेनॉल्ड्स नंबर किसका, प्रोटो का, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर हमने क्या लिखा था, रो इंटू वी इंटू एल अपॉन म्यू, ये मॉडल बराबर होना चाहिए प्रोटो के, ठीक है, ये हमने निकाल के रखा है। अब आप ध्यान से देखो, अगर सारे टर्म्स को इसके नीचे भेज दें तो ये हो जाएगा रो मॉडल बाय रो प्रोटो, ठीक है, वी मॉडल बाय वी प्रोटो, एल मॉडल बाय एल प्रोटो, ठीक है, और इनटू वन अपॉन म्यू मॉडल बाय म्यू प्रोटो, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। और ये सारे टर्म्स जब हमने उधर भेज दिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा वन। तो अब इसको ध्यान से देखो, क्यों ना हम इसको लिख दें डेंसिटी स्केल रेशियो, इसको लिख दें वेलोसिटी स्केल रेशियो, इसको लिख दें लेंथ स्केल रेशियो, और इसको लिख दें डायनेमिक विस्कोसिटी का रेशियो। ये पूरा का पूरा टर्म आपस में क्या आ गया, वन के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब देखो, अगर मान लो डेंसिटी अलग दे रहा है, सारा टर्म अलग दे रहा है, तो एक तो तरीका है कि डेंसिटी अगर उसने सेम दे दिया, ठीक है, डेंसिटी देखो यहां से दो चीज निकलेगी। पहला केस, केस वन, जनरली अगर उसने कह दिया मॉडल की डेंसिटी एंड प्रोटो का रेशियो जो है वो वन है, डेट इज कि दोनों आपस में, दोनों जगह ही फ्लूड क्या था, सेम था, तो रो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और अगर मॉडल में जो आपकी विस्कोसिटी है फ्लूड की और प्रोटो में जो विस्कोसिटी है वो भी आपस में क्या दे रहा है, सेम दे रहा है, डेट इज ये भी वन हो गया। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा आपको वी आर इन टू एल आर बराबर वन, डेट इज की देखो यहाँ से बचेगा वी आर इज इक्वल टू वन बाई एल आर। देखो दोनों में थोड़ा फर्क समझ में आया, वहाँ वेलोसिटी स्केल रेशियो जो आया था वो कितना आया था, वो आया था एल आर पे पावर वन बाई टू, जबकि यहाँ पर एल आर पे पावर माइनस वन है, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, कई बार इस पर अच्छा क्वेश्चन देता है, तो ये दूसरा केस पूछता है जिस वक्त आपको केवल क्या करता है, ये सारे जो रेशियोज हैं ये सेम नहीं कहता है। तो देखो आपको क्वेश्चन काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म्स में पूछता है, तो देखो अगर यहां से हम वी आर निकालें, यहीं से अगर हम वी आर निकालेंगे तो क्या बचेगा, आपको मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, अगर हम वी आर निकालें तो म्यू आर ऊपर चलाया, रो आर नीचे चलाया, इनटू वन अपॉन एल आर इधर चलाया, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म्स में क्वेश्चन है तो डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का रेशियो डिवाइडेड बाय एल आर। तो अगर क्वेश्चन में काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म्स में दिया हो तो यहीं से देख लो, वेलोसिटी स्केल रेशियो डेट इज की वी मॉडल बाय वी प्रोटो बराबर आएगा किसके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का रेशियो बाय लेंथ स्केल रेशियो के बराबर आएगा। लेकिन वो तब होगा जब आपको विस्कोसिटी एंड डेंसिटी का रेशियो सेम नहीं होगा, या क्वेश्चन में वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म्स में क्वेश्चन दिया गया होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप ये टर्म निकाल सकते हो यहीं से, ठीक है, चाहो तो जैसे वहां पर हमने वी आर निकालने के बाद क्या निकाला था, T
टी आर निकाला था, टाइम स्केल रेशियो। यहां पर भी आप क्या कर सकते हो, टाइम स्केल रेशियो को आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, इस टर्म से भी निकाल सकते हो, इस टर्म से भी निकाल सकते हो, लेकिन हम कहेंगे कि इन टर्म्स को लेकर के निकालना। क्योंकि देखो, अगर टाइम स्केल रेशियो लोगे तो टाइम मॉडल बाई टाइम प्रोटो करोगे, और टाइम क्या होता है आपको मैंने अभी बताया था, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस को हम क्या लिख देंगे, डिस्टेंस को लिखेंगे एल बाई वेलोसिटी, दोनों मॉडल के लिए एल प्रोटो बाई वी प्रोटो लिख दिया हमने दोनों इसके लिए। ठीक है, यहां मिटा के दिखा दे रहे हैं। अगर मैंने वैसे लिख दिया तो वहां से अब देखो टी आर का वैल्यू क्या मिलेगा, टी आर इज इक्वल टू टी मॉडल बाई टी प्रोटो, विच इज इक्वल टू, देखो हम लिख सकते हैं उसको, एल मॉडल बाई एल प्रोटो इंटू वी प्रोटो बाई वी मॉडल। अब आप देखो, इसको हम लिख दिया एल आर, इसको मैंने लिख दिया वी आर। ठीक है, अगर तुम्हारा इस टर्म को लेके चलते तो वी आर के जगह पर क्या आता, देखो ये एक रिजल्ट आया। अगर वो क्वेश्चन काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म में दे रहा है तो इस वैल्यू को यहां रखो, और अगर इसके टर्म्स में दे रहा है लेंथ स्केल रेशियो में, यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी का कुछ मेंशन ही नहीं है, तो इसको यूज करेंगे। तो अगर इसको यूज करते हैं तो देखो क्या होता, वी आर के जगह पे वन अपॉन एल आर रख देते। ठीक है, और इसका मतलब हो जाता है एल आर वन अपॉन एल आर, डेट इज की टाइम स्केल रेशियो जो आता टी मॉडल बाई टी प्रोटो, वो हो जाता एल आर पे पावर टू। ठीक है, ये वैल्यू रखते तो। लेकिन अगर हम लोग इस वैल्यू का इस्तेमाल करते सेकंड केस, तो देखो क्या होता, टी आर इज इक्वल टू टी मॉडल बाई टी प्रोटो। ठीक है, एल आर बाई वी आर आया था ना, हम लोग क्या करेंगे, एल आर को तो एल आर लिखेंगे और वी आर को यहां से पुट कर देंगे, कितना है, वी आर इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी बाई एल आर, डेट इज की एल आर स्क्वायर बाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो अगर क्वेश्चन में काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म्स में दिया हो इसको यूज करेंगे, और अगर आपको लेंथ स्केल रेशियो के टर्म्स में है केवल, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने दो टर्म निकाला, टाइम स्केल रेशियो के बाद आप क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन स्केल रेशियो निकालोगे। तो जिस तरीके से फ्रॉड मॉडल ला में बताया है, सेम 10 टर्म्स चाहो तो रेनॉल्ड्स में भी निकाल सकते हो, वो आप लोग घर पर खुद से करेंगे। कौन सा मॉडल ला कहाँ पर यूज करना है उसके लिए हम आपको एक चार्ट मेंशन कर देंगे, आप याद रखेंगे कि कौन सा मॉडल ला किसके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं होगा, वो क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा कि अच्छा ये केस है तो ये वाला मॉडल ला लगाना है। ठीक है, तो यहां तक आपका जो था ये पूरा का पूरा क्या था, ये डायमेंशनल एनालिसिस था, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉडल टेस्टिंग के लिए ये रूल इस्तेमाल करते हैं। तो होप आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब फर्दर जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसके क्वेश्चन सीरीज को अब करना शुरू करेंगे, क्वेश्चन हम अलग से कराएंगे। एक्चुअली कॉन्सेप्ट के बीच में क्वेश्चन कराने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो अलग से एक क्वेश्चन सीरीज इसके बाद से अब हम लोग शुरू कर देंगे, और फिर उसके साथ ही पैरेलली जो लोग भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं उनके लिए बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर कल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो कल से हम लोग बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।